हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेज मंचूरियन ग्रेवी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसे हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, पर बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट से देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डिलीशियस वेज मंचूरियन। इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है पत्ता गोभी। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लिया है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी। इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे भी जरूर डालें आप। अब आप इसमें डाल दीजिए 1 गाजर जिसको कद्दूकस कर लिया है मैंने। यहाँ पे हम डालेंगे 7 से 8 मैंने बीन्स को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे डालना है थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून के लगभग नमक डाल दीजिए। और इन सब वेजिटेबल्स को ना आप एक बार इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक हर जगह बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक मैंने आपको ले लिया है यहाँ पे लहसुन कली, अदरक और एक हरी मिर्च ले लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमें इसमें से थोड़ा सा लेना है पार्ट और इसको स्क्वीज कर लेना है, यानी कि इसमें से इसका सारा पानी निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मैदा और कॉर्नफ्लोर का यूज करना पड़ेगा। इससे जो आपके मंचूरियन है ना उसमें मैदे का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वेजिटेबल्स में ना सारे पानी को आप निकाल लीजिए। देखिए कितना सारा पानी निकला है, इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसे ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वीज करके वेजिटेबल ले लिया है। तो इसमें अब आपको डाल देना है अदरक, लहसुन और चिली का पेस्ट। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दीजिए। इसमें अब आप डालिए नमक। तो यहाँ पे आपको नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि वेजिटेबल्स में अभी थोड़े नमक का टेस्ट होगा। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, मैंने कश्मीरी यूज किया है। इससे टेस्ट और कलर बहुत बढ़िया आएगा मंचूरियन का हमारा। और आपको यहाँ पर डालना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गरम मसाला, 1/2 टीस्पून के लगभग जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून आपको यहाँ पर डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, इसे भी बिल्कुल स्किप ना करें। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटे साइज का प्याज जिसको मैंने बहुत बारीक कट किया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें आपको डालना है 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, इससे जो हमारे मंचूरियन बॉल्स हैं ना उनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच अरारोट पाउडर, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसी क्वांटिटी में आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और 2 चम्मच आपको यहाँ पर डालना है मैदा, यहाँ पे आप थोड़ा सा राइस का फ्लोर भी डाल सकते हैं, उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले आप कॉर्नफ्लोर और मैदा की जो क्वांटिटी है ना आप कम रखें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तब आप इसमें और डालें। देखिए जब मैं इसकी बॉल बना रही हूँ ना तो इसमें वेजिटेबल बहुत सारा दिख रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच और हम अरारोट का पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम सेम मैदा डाल देंगे। पहले आप कम कॉर्नफ्लोर और मैदा या अरारोट आप डालिए, उसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें अरारोट और मैदा का जो क्वांटिटी है कम है तब आप इसमें 1-1 चम्मच और ऐड करिए। एक ही बार ज़्यादा डाल देंगे ना तो इसमें मैदा और अरारोट का टेस्ट ज़्यादा आने लगेगा, तो बिल्कुल भी वेज मंचूरियन का टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमने पहले बनाया था और अभी बनाया इसमें कितना डिफरेंस है। पहले वाले में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो इसमें ये जो हमारा ये वाला जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे 3 चम्मच अरारोट पाउडर और 3 चम्मच मैदा डाला है। मिक्सचर में हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। आप यहाँ पे ना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बॉल का साइज बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बॉल बना लिए हैं, सारे बॉल हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल इसे गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल आपको गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट आपका तेल होना चाहिए। जब ऑयल गर्म हो तब आप इसमें डाल दीजिए बॉल को। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े बॉल्स बनाए हैं, अगर आप ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं ना तो यहाँ पे इस बॉल की जो साइज है वो थोड़ा छोटा रखें। मैं यहाँ पे ग्रेवी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखा है। और इसको आपको कुछ देर के लिए ना पकने के लिए छोड़ देना है, इसके बाद आप इसे कुछ देर पर आप इसे टर्न करते रहिए। देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा आया हुआ है, तो इसे हम फिर से छोड़ देंगे और कुछ देर के बाद इसे हम फिर से टर्न कर लेंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पर पकाइए, लो या हाई ना करें। हाई पर जब पकाएंगे ना ऊपर से तो बहुत जल्दी पक जाएगा, पर नीचे से अच्छे से नहीं पकेगा, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। इससे इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा। अब देखिए इसका कलर कितना सुनहरा आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका। तो इसे हम निकाल लेंगे, ये क्रिस्पी हो गए हैं तो इसे हमें निकाल लेना है। यहाँ पे से ऑयल को हम निकाल देंगे और फिर इसे हम प्लेट में रख लेंगे।
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये। तो सेम ऐसे ही हम जो बचे हुए मंचूरियन बॉल्स हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करें, जब अच्छे से ये गोल्डन कलर का हो जाए तो आप इसे निकाल दीजिए। देखिए ऑयल हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ना तो इसमें से कोई वेजिटेबल निकला है ना कॉर्नफ्लोर का घोल निकला है। तो हमने अपने मंचूरियन बॉल्स को बना के रेडी कर लिया है। तो देखिए देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए हम मंचूरियन के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी कलछी से डाल दिया है एक कलछी ऑयल। ऑयल को ना हम यहाँ पे कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म है तो गैस के फ्लेम को मैंने लो किया यहाँ पे। और आपको डालना है यहाँ पे लहसुन। तो मैंने यहाँ पे ना 6 से 7 मोटी लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके डाला है। आप यहाँ पे ना अगर पतले साइज की हैं तो आप यहाँ पे 15 से 20 ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखनी है, तभी मंचूरियन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डाल दिया है 1.5 चम्मच के लगभग। इसको भी हम अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम रोस्ट कर लेंगे। जब आपका लहसुन हल्का सा रोस्ट हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके, इसको भी हम डाल देंगे। और इसको भी आपको भून लेना है। यहाँ पे ना आपको लहसुन अदरक को तब तक पकाना है जब तक कि लहसुन का कलर ना डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल, 1 बड़े साइज का प्याज जिसके मैंने पेटल्स को निकाल लिया है, आधा हरा कैप्सिकम, आधा मैंने लिया है लाल कैप्सिकम, आधा मैंने येलो कैप्सिकम लिया है। अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम नहीं है तो आप 1 बड़े साइज का हरा कैप्सिकम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप सारे वेजिटेबल की जो साइज है ना एक जैसा ही रखें, छोटा बड़ा ना करें। और इसको आपको हाई फ्लेम पर भूनना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर आप इसके वेजिटेबल का जो कच्चा टेस्ट होता है उसको आपको ख़त्म करना है, बस का जो क्रंचीनेस रहता है उसे आप रखना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गैस को, अगर सब्जी आपकी जलने लगे तो गैस के आप यहाँ पे फ्लेम को एडजस्ट कर लीजिए। मैंने 3 मिनट के लिए से हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मंचूरियन के लिए। अब आपको यहाँ पे डालना है 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और आपको यहाँ पे डालना है 2 चम्मच डार्क सोया सॉस। तो मैं यहाँ पे पूरा डार्क सोया सॉस 2 चम्मच डाली हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप यहाँ पे 2.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच आपको डालना है सेजवान सॉस, ये ऑप्शनल है पर डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे डाली हूँ 1/2 चम्मच विनेगर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अब मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ पे ऑन किया क्योंकि जब मैंने सॉस डालना शुरू किया तभी मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच टोमेटो केचप, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हमने चिली सॉस डाले हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चम्मच टोमेटो केचप डालना है। और इसको आपको ना लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे बस आपको इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपको पकाना नहीं है। तो कुछ सेकंड के लिए आप इसमें मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो यहाँ पे आप नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें क्योंकि हमने जो सॉस डाला है ना उसमें भी नमक ना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नमक डालिए। 1/4 टीस्पून आपको यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालना है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको भी आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियाँ जो है आपकी क्रंची रहना चाहिए। देखिए इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 कप पानी। अब मैंने दिया यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, यानी 3/4 कप मैंने पानी लिया है। पहले आप यहाँ पे इतना ही पानी डालें, इसे मिक्स कर लीजिए। एक ही बार में आप बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दीजिए। देखिए अभी ये देख के लग रहा है ना कि ये यहाँ पे पानी कम है क्योंकि हमें इसमें अभी कॉर्नफ्लोर भी डालना है। जब वो डालेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेवी की जो थिकनेस है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप और पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। कुल मिला के मैंने यहाँ पे 2.25 कप पानी डाला है। आप 2.25 से 2.5 कप पानी डाल सकते हैं और यहाँ पे इन सबको मिक्स कर लेना है। तो इसे हम छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें कॉर्नफ्लोर का कोई लम्स नहीं होना चाहिए, यानी कि लम्स फ्री ये आपका घोल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो आपने पानी डाला है ना उसको भी आपको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट के लिए आप उबाल लीजिए। जब पानी इसमें अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप इसमें अपने कॉर्नफ्लोर के घोल को डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को लो किया है और आप इसे ना जल्दी से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे ऐसा ना तो एक ही जगह पे कॉर्नफ्लोर का थक्का बन जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छी ग्रेवी आपकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लोर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारी जो ग्रेवी है गाढ़ी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा और बॉईल कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और इसको आप मिक्स कर लीजिए क्योंकि इसमें स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आया हुआ है। तो अब आप इसमें डाल दीजिए। लास्ट में आपको डालना है अपने मंचूरियन बॉल्स को, मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे लो मीडियम रखा है। यहाँ पे बस हमें इसे हल्का सा इसके साथ मिक्स करना है। इसके बाद आप लास्ट में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून शुगर, या आप यहाँ पे हनी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच के लगभग। और यहाँ पे आप डाल दीजिए चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही टेस्टी वेज मंचूरियन ग्रेवी बनके रेडी होगी। आप इसकी जो ग्रेवी है उसका कलर और थिकनेस को देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इस मंचूरियन को आप इंजॉय कर सकते हैं नूडल्स और वेज फ्राइड राइस के साथ। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।